हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर YouTube चैनल। एंड गाइस, फाइनली पोको अपना इंडिया में एक नया बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। एंड ये डिवाइस का नाम रहेगा पोको M2 रीलोडेड वर्जन। एंड फाइनली इसका फ्लिपकार्ट पे लैंडिंग पे जा चुका है। ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट भी यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है, वो तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, साथ ही में 100% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन बताऊंगा एंड क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर इंडिया में आने वाला है, सारी डिटेल्स देने वाला हूँ पोको M2 रीलोडेड वर्जन को लेके। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप प्राप्त कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में हमने Q&A वीडियो डाले थे जिसमें आपके धमाकेदार क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया हूं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो, कोई टेक से रिलेटेड नॉलेज गेन करना है, तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पोको M2 रिलोडेड वर्जन के बारे में। तो इंडिया में लॉन्च होने वाला है यहाँ पर ये स्मार्टफोन 21 अप्रैल, मतलब 21 अप्रैल के दिन ये आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट लॉन्च पहले ही यहां पर कंपनी ने बोल दी कि जो इसका पहला फ्लैश सेल रहेगा वो 21 तारीख को यहां पर रहेगा 3 बजे, लॉन्च रहेगा 12 बजे एंड पहला सेल जो रहने वाला है वो 3 बजे आपको देखने को मिलेगा। इतना फास्ट ये लोग कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे चल के आपको पता लग जाएगा। बेसिकली मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर पोको M2 रिलोडेड वर्जन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो मैं बिल्कुल वीडियो को शॉर्ट एंड क्लियर रखूंगा, सीधा-सीधा आपको बता दूंगा। पोको M2 रिलोडेड वर्जन 99.9% सिमिलर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। वही सेम डिजाइन आपको 100% सेम डिजाइन मिलती है। वही सेम डिस्प्ले 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। यहां पर आपको सेम चिपसेट मिलता है हीलियो G80 वाला, सेम कैमरा सेटअप, सेम बैटरी, सेम फास्ट चार्जिंग, सेम सेंसर, सेम फिंगरप्रिंट स्कैनर, पूरा का पूरा स्मार्टफोन 99.9% आपको सिमिलर देखने को मिलता है। अब आपके मन में दिमाग में यह ख्याल आ रहेगा, भाई लॉन्च क्यों कर रहे हैं अगर सेम स्मार्टफोन है तो? फिर पोको वाले मतलब थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाते हैं। यहां पर आपको माइनर सा एक चेंज देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में कि पोको M2 हम सभी को पता है 664 से इंडिया में लॉन्च हुआ था, 4GB वाला वेरिएंट नहीं था। तो पोको ने अपना थोड़ा दिमाग चलाया एंड उन्होंने क्या सोचा कि यार नए नाम से हम वही सेम स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, लोगों को तो यार नए स्मार्टफोन से मतलब है, चलो रीलोडेड वर्जन डाल देते हैं पोको M2 का और नया स्मार्टफोन लाते हैं। एंड बेसिकली पूरा स्मार्टफोन सेम है, सिर्फ यहां पर जो रीलोडेड वर्जन है उसमें आपको 464 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, मतलब 6GB की जगह 4GB रैम दे दिए एंड पोको M2 से वो स्मार्टफोन पोको M2 रीलोडेड वर्जन बन गया। यस, सिर्फ इतना चेंज करने के लिए पूरा का पूरा नया स्मार्टफोन नए नाम से आपको देखने को मिलेगा, बॉक्स पे रीलोडेड वर्जन वगैरह लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे भाई चलो 2GB कम दिए तो क्या प्राइस पॉइंट कम होगी? ऑफ कोर्स आपको कम देखने को मिलेगी। करंटली अगर आप देखोगे पोको M2 का 664 वाला वेरियंट 10,500 रुपए में बिक रहा है, तो जो पोको M2 रीलोडेड वर्जन आने वाला है 464 के साथ में वो आपको 9,000 रुपए से बताया जा रहा है स्टार्ट होते हुए दिख जाएगा। तो 9,000 रुपए के हिसाब से अगर आप फोन देखोगे तो डेफिनेटली रीब्रांड स्मार्टफोन है ये। रेडमी 9 प्राइम का रीब्रांड है पोको M2 का रिलोडेड, पोको M2 रिलोडेड, टोटल कंफ्यूजन। लेकिन अगर आपका 9,000 रुपए का बहुत ज्यादा टाइट बजट है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकते हो, तो मैं बोलूंगा वेट कर लो। फुल एचडी डिस्प्ले भी मिल रहा है, G80 भी है, बड़ी बैटरी है, डिसेंट कैमरास है, तो वेट करना है कर सकते हो। लेकिन मेरे समझ के बाहर है यार, मतलब कंपनी मतलब क्या है यार, मतलब अगर आपको रैम कम वाला निकालना है तो सेम नाम से निकाल सकते ना, मतलब रीलोडेड वर्जन है, नया लॉन्च इवेंट एंड सिर्फ रैम कम करने के लिए आप सारी चीजें कर रहे हैं, मेरी समझ के बाहर है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पोको M2 रीलोडेड वर्जन 9,000 रुपए से पर स्टार्ट होता है 464 वाला वेरिएंट, वही सेम जो आप पिछले साल से देख रहे हो, तब आप क्या ये स्मार्टफोन को लेने जाओगे नहीं जाओगे? एंड एक और एक क्वेश्चन, क्या आपको ये सही लगता है कि ब्रांड सिर्फ 2GB रैम करने का नया नाम से यहां पर वो स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं? आपके हिसाब से यहां पर इसके ऊपर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको ये पसंद आई होगी एंड गाइस, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।